हेलो, एक बार फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका प्यारा मैडी मधुसूदन। और कल इतने पटाखे वटाखे फोड़ने के बाद, काफ़ी लंबी नींद लेने के बाद अभी उठे हैं, तो थोड़ा खा पी के अब सोचे हैं शाम हो गई तो कहीं घूम के आते हैं। तो आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे लो बजट वाला ताजमहल है। आप गेस कर सकते हैं कोटा में ऐसी कौन सी जगह है। जी हाँ, सेवन वंडर्स, जहाँ पे आपकी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, मर्दानी और भी बहुत सारी फिल्में यहाँ पे शूट हो चुकी हैं, और बहुत सारी फिल्में शूट हो भी रही हैं। बहुत अब वो एक तरह से शूटिंग लोकेशन में आ चुका है, हेरिटेज प्लेस हो चुका है, वो काफ़ी फेमस। तो मैं आज वहाँ जा रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ वो जगह है कैसी। मैं एक बार गया हूँ, रात में गया हूँ, बट उतना मैं टाइम नहीं स्पेंड कर पाया था वहाँ पे, बट इस बार मैं जा रहा हूँ थोड़ा टाइम लेके। भैया का मूड एकदम सही नहीं लग रहा है, इनको आधी नींद से मैं जगा दिया कल का। कल का ये थके हुए थे और नहाने के बाद भी इनका फेस देखिए एकदम उतरा उतरा शाम के। भैया अगर चेहरे पे स्माइल नहीं तो फिर जाने का क्या मतलब। खुशी खुशी जाना चाहिए, जहाँ भी जाओ आ जाओ, घुमा ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भूमिक, आ जाओ। भूमिक नाम है। ऐसी व्यवस्था कहीं मिलेगी, अपना बोतल से पीते हुए जाओ, आते वक्त बोतल दे जाओ। इट्स ओनली हैपेंड इन कोटा विद द लिंक ऑफ निक्की भैया। यूटर्न लेना ना। ये कौन सा चौराहा है? ये कोटरी चौराहा है। कोटरी चौराहा क्या बना है? मंदिर मंदिर जाएगा नहीं हमारे। आज थोड़ा बैड लक था फेस्टिवल की वजह से, आज सेवन वंडर बंद है, तो हम किसी और दिन इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बट एक बहुत दुख की बात है जो मैं पूरे कोटा के लोगों से और सारे टूरिस्ट से कहना चाहूँगा कि मतलब आधी से ज़्यादा जनता, मतलब सब लोग इसमें घूमने आते हैं, इसको देखते हैं और इसे नहीं देखते हैं। ये जो चीज़ें हैं, अगर ये टूरिस्ट प्लेस है, अगर किसी ने बनवाया है, तो इसकी भी देखभाल हमें करनी चाहिए। ये जो गंदगी है, हमने इस तालाब में जो भी है, ये सेवन वंडर के सामने आप देख रहे हैं, ये जो गंदगी है हमारे द्वारा ही फैलाई गई है और ये इसका नतीजा है। अगर आप इस तालाब की दूसरी साइड देख रहे हैं, टूरिस्ट आ रही है वहाँ पे, लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इसका ख्याल कौन रखेगा? आप इसमें देख रहे हैं बेवजह के प्लास्टिक माला, फूल, हर तरह की चीज़ें इसमें कूड़े, ये बाद में जाके पॉइजन बनती है, जो इसमें रहने वाले सभी मछली वछलियों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें, कूड़े को कूड़े दान में ही डालें, पानी में ना फेंकें। चौपाटी बाज़ार लेन, सारा फास्ट फूड चाइनीज। खाएंगे तब आप खाइए, खाइए खाइए, आपने से ले लूँगा एक। ये आपका पूरा अलग अलग फ्लेवर है, एक प्लेट में सारा एक ही बार खिलाते हो? हाँ, लगा रहे हो तो साहब। ये सर 7-8 साल से खिल रहा है। 8 साल। जीरा है, ये पुदीना, जीरा है, लहसुन है, लहसुन
ये पुदीना है, पुदीना मैडम, ये नींबू, ये रेगुलर, ये डीएनए स्पेशल आड़ा है, ये स्पेशल उनका अपना खुद का है, अच्छा ये आपका अपना है, आड़ा है, ये डीएनए हाजमा है, नाम गोली भी देते हैं, ये डीएनए हाजमा है, ये आपकी दुकान का है, ये डीएनए हाजमा है, ये डीएनए ब्रांड का नाम है, और बेरुजी आगे बोली, ये नींबू, ये नींबू, ये निमड़ा, ये निमड़ा, ये निमड़ा, ये नींबू, नींबू नींबू मुझे ये रेगुलर, ये नॉर्मल, ये सिंपल, ये सामान्य। आप यकीन नहीं करेंगे, ये गोलगप्पा इतना टेस्टी था, तकरीबन 8 फ्लेवर थे इनके पास भैया के। और ये आप आ सकते हैं चौपाटी बाज़ार पे, चौपाटी बाज़ार चौराहे के जस्ट बगल में ही लेफ्ट साइड में इनकी शॉप है और एक ही ब्रांच है। बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गोलगप्पा था। मैं बनारस के बाद कहीं और इतना टेस्टी गोलगप्पा खाया, मुझे तो अच्छा लगा। अगर आप कोटा में कभी आएँ तो प्लीज़ यहाँ पर ट्राई करिएगा, अच्छा है ये। तो मैं कोटा, ये चौपाटी चौराहे के पास ये मार्केट है, मैं मेरे साथ ये जॉनी भाई, जॉनी गद्दार भी बोल सकते हैं, और ये इनका यूट्यूब पे चैनल भी है कारवा भारत, जिसमें ये टूर कराते हैं इनका, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूँगा। और इन भैया की देखिए यहाँ पे बना लाए, टूटी पकौड़ी सब कुछ बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत मज़ा आया खाने में। आप इनके मुँह से सुनिए क्या क्या कर सकते हैं अकेले आदमी। सर जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोटा में प्रकाश कुछ और बनारस होटल के दो नाम हैं, तो कोटा के लोगों ने नहीं, हरोजे के लोगों ने उसका प्यार देकर उसका नाम बनाया बनारस जी, जो कि मेरे परदादा जी थे। और इतनी पुरानी शॉप है, इतनी पुरानी शॉप है सिंस 1938। रेसिपी भी पुरानी है, शॉप भी पुरानी है, बंदा नया है, टेक्निक नहीं है, लेकिन स्वाद आपको एकदम ओरिजिन पूरा एकदम क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आप यहाँ पे आइए, अगर मेरे से जो भी जानने वाला इंसान कोटा में है आप यहाँ आइए, मेरा नाम बताइए, मेरे नाम पे 10% मेडी भाई के नाम पे 10% का डिस्काउंट भाई, 10%। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में साथ में रहेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपन स्ट्रीट फूड करने वाले हैं, स्ट्रीट फूड करेंगे साथ में, रामपुरा से लेके हेड अपना गढ़ पैलेस तक, अपन मिलते हैं, चलिए टाटा टाटा। हैप्पी दिवाली आपको भी, हैप्पी दिवाली। और सर कैसा है, सब बढ़िया है, इनसे पूछो जो खा रहे हैं। प्रकाश कुल्फी, टेस्ट कैसा है इसका? बहुत बढ़िया टेस्ट है, अच्छा बनाया है, पकौड़े भी शान है भैया लोग। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीच लैंडमार्क सिटी इन कोटा, देयर इज सम लाइक वीवीआईपी एरियाज ओवर देयर। People said about like Landmark City, there is a hub for the student and too much crowded places over there, like coffee shops, malls and many more. So we can reach, about to reach within a 2 to 5 minutes. I can show you the lane, it's quite very nice. ये गमला रखने का स्टाइल बड़ा कूल था, नहीं फ्लावर पॉट का नहीं, ऐसा नहीं है, नोएडा में भी अच्छा रखा है, नोएडा इज डिफरेंट थिंग ना, दैट्स व्हाई डायरेक्टर मेड्स कोटा फैक्ट्री ऑन नेटफ्लिक्स। दिस इज सच अ नाइस प्लेस इन लैंडमार्क सिटी कोटा, क्योंकि ये सारा स्टूडेंट हब है। और यहाँ पे मैंने जो देखा, जैसे कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स, बिल्डिंग्स, यहाँ पे एलएन कोचिंग की वजह से ही सारा जो दिख रहा है क्राउड वो है, आईआईटी, IIIE, PMT, इन सब की तैयारी के लिए लोग कोटा आते हैं। और पढ़ाई का माहौल इतना कूल है यहाँ, इसलिए लोग यहाँ कोटा एडमिशन लेते हैं, दैट्स व्हाई पीपल लाइक कोटा। एलएन कोचिंग का नाम इतना है कि ये पूरी जगह उसी के नाम पर चल रही है, और इतने सारे इन्वेस्टमेंट, इतने अपार्टमेंट, बिल्डिंग, हॉस्टल्स। और ये जो टाइम है शाम का 6 से 9, 6 से 8 कोटा में
इस लैंडमार्क सिटी में एकदम मतलब कहते हैं ना गुड वाइब्स वाला टाइम है। यहाँ पे सिर्फ सब लोग शाम को निकलते हैं, घूमते हैं, मार्केट में पूरा क्राउड दिखेगा जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। अच्छा है ये जगह, मतलब कोटा से थोड़ा हट के एक ऐसी जगह है ये। और मौका मिलेगा तो मैं थोड़ा डीप में इस लैंडमार्क सिटी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी हमें लेट हो गया तो घर निकल रहे हैं। तो आज का दिन तो काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा घूमे हुए। सेवन वंडर गया, बैड लक था, बंद हो गया क्योंकि फेस्टिवल की वजह से वहाँ पे स्टाफ नहीं था, तो इस वजह से उसको बंद रखा है और कल खुलेगा वो। लेकिन कल का मेरा कोई कुछ और प्लान है। और सबसे अच्छी बात कि हम लोग उससे जब वो बंद था तो हम लोग चौपाटी मार्केट गए, तो वहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए, वो तो भाई क्या औसम था। मैं तो कहूँगा जब भी आपको कोटा आना हुआ वो गोलगप्पा ट्राई करिएगा, बल्कि बहुत लोगों ने उसको टेस्ट किया होगा, इट्स ऑसम। और फिर मैं जॉनी से मिला, जॉनी का अपना एक ग्रुप यूट्यूब चैनल है मैंने बताया जैसा, और वो लोग ट्रैवल पे काम करते हैं। इट्स अ वेरी नाइस आइडिया उन लोगों का जो भी है। और उसके अलावा जब मैं लैंडमार्क सिटी गया, वाह, मतलब लगा ही नहीं मैं कोटा में हूँ, ऐसा लगा मैं दिल्ली या नोएडा आ गया हूँ। वहाँ पे जो स्टूडेंट हब है वो बहुत ही औसम है, और वहाँ के कोचिंग सेंटर इतने हाइक पे हैं कि लोग तभी आते हैं कोटा कि उनको AIEEE वगैरह में क्वालिफाई करना होता है। और वहाँ का जो पूरा लेन था ऐसा अच्छा था, सब मिला जुला के अच्छा। तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा कभी अगर मुझे मौका मिला उधर दोबारा जाने का दिन में। तो ओवरऑल आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, वो उम्मीद करता हूँ आपका अभी भाई दूज अच्छा मना होगा। सभी भाई और बहनों को भी मेरी तरफ से प्रणाम, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियो को प्यार करते रहिए, लाइक करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, कुछ अच्छा लग रहा है वो भी बताइए, बुरा लग रहा है कुछ आप अपना सजेशन या आइडिया देना चाहते हैं तो वो भी बताइए। कल मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। I will make it.